हेलो एवरीवन, इस बारिश के मौसम में एकदम चटपटी देसी चटनी जो आपको उंगलियां चाटने में मजबूर कर दे। तो इस चटनी को बनाने के लिए गैस ऑन करके जब तवे में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें एक चम्मच जीरा, 7 से 8 कलियां लहसुन की, 8 से 10 तीखी हरी मिर्ची डालकर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन और हरी मिर्ची हल्का सा फ्राई हो जाए तब इसमें हम एक बड़े कटे हुए टमाटर के टुकड़े और 1 चम्मच नमक डालकर इनको आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। नमक डालते सही थी टमाटर अच्छे से गलने लगेंगे। आज को सिम में रखना है। आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में टमाटर के जो ऊपर की स्किन है जब हल्का सा गलने लगे तब इसमें हम 1 कटोरी धनिया पत्ती डाल लेंगे और इनको आपस में बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। धनिया पत्ती जल्दी से ही गल जाती है, तो लगभग 1 मिनट में वो गलने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ के प्याज के टुकड़ों को डाल लेंगे और इनको अच्छे तरह से आपस में मिलाते हुए ऐसे स्मैश करना है। अगर आपको स्मैश करने में परेशानी है तो आप मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे कच्चा बच्चा बना के गर्म गर्म सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।